गाड़ी के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा ना हो जाए इसमें, ठीक है, राइट में करना है हमें। तो इस टाइम पे रात के हमारे 2 बज रहे हैं, देखो 12:50 हो रहे हैं, उल्टा दिख रहा है जो भी है समझ लो, ठीक है, हमारा ऑर्डर भी आने वाला है 6 मिनट में, ठीक है। सो अभी दिक्कत क्या होती है, अगर आप कार को मॉडिफाई करते हो या कुछ भी कराते हो काम उसके अंदर, तो ना एक चीज़ है जो आप लोगों को करनी पड़ती है, वो होती है इसकी मेंटेनेंस। तो वैसी मेंटेनेंस है मेरे डिफ्यूज़र की हो रही है, मेरे डिफ्यूज़र के पार्ट्स मैंने मंगवाए हुए हैं। अगर आपको भी अपनी किसी भी गाड़ी का डिफ्यूज़र चाहिए तो मुझे DM कर सकते हो और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। बट अभी वो लोग का जो मेरा डिफ्यूज़र है ना, वो बार बार टूटता है, ठीक है, और ये ऐसी भाई वो लोग का डिफ्यूज़र बार बार टूटता है, तो इस टूटने या जुड़ने के सिलसिले में ना मैंने ना अपने डिफ्यूज़र के ना कुछ पार्ट्स ऑलरेडी मंगवा के रखे हुए हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि क्योंकि डिफ्यूज़र टूटता ही रहता है, कभी मैं पैर लग गया, कभी कहीं लग गई गाड़ी, तो और अपनी गाड़ी तो ऐसी होती है गाइस, अगर आप लोग कार लवर हो तो अपनी गाड़ी को टूटा हो या ख़राब तो देख ही सकते हो, तो अपनी गाड़ी को ठीक करते हो। तो ये मेरी गाड़ी के साथ जो डिफ्यूज़र आया था मैंने उसको निकाला, ठीक है, ये मेरा नया डिफ्यूज़र आ गया, मैंने उसके हिसाब से इसको जो है मत कर भाई रुक जा, तो उस हिसाब से मैं इसको करने वाला हूँ। आइए दिखाता हूँ कैसे करूँगा। ये ड्रिल मशीन ले रखी है, हम ड्रिल मशीन से खुद ही घर में इसको सेट करेंगे, मिस्टर DIY बनेगा तुम्हारा भाई। अच्छा गाइस ये देख लो, यहाँ पे माइक मेरा ना गाड़ी में पड़ा हुआ, तो अभी ऐसा एडजस्ट कर लो। बाकी अगर इस तरीके कंटेंट और देखने हो तो कमेंट भी कर लेना भाई, मेरे मुंह पे चिन करेगा। ये चीज़ें होती है, इनको इन चीज़ों को ना बहुत तरीके से यूज़ करना होता है। अभी हम बेड पे यूज़ कर रहे हैं, पर रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल भाई, मत कर, रिकमेंडेड नहीं है कि बेड पे बिल्कुल भी यूज़ करो। हम तो प्रो है ना, हमें तो आता है। अच्छा तू मिस्त्री था पहले, हमें करना क्या है, इस होल को इसके लेवल पे लाना है ताकि इसका लेवल निकले और हमारी गाड़ी का भी लेवल निकल जाए। वैसे मैं अपने अकेले कर लूँगा उसको, इस बार में क्या बोलते पकड़ ले ले, अब ये उड़ गया था हवा में, ये पता नहीं इनको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो अब हमारा देखो ये पॉइंट ये है, मैंने छोटी ले ली है बिट ताकि मैं इसको जो है ठीक से कर सकूँ। चला ठीक से पकड़ना, ठीक है, मैं ही करता हूँ उसकी जगह, मशीन की जगह। इतना आगे मत जाए, आ भी रहा होगा उसमें, देखो गाइस। और एक चीज़ और, अगर इस चीज़ को अगर आप करो ना, तो जैसे चश्मे पहनने करना है, जैसे चश्मा पहना हुआ मैंने पहना नहीं हुआ था, पर मुझे करते हुए ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो छोटे छोटे उड़ रहे हैं ना, ये आँखों में आ सकते हैं, कोई बात नहीं, सुबह साफ हो जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे मेरे को 2 करने हैं, वैसे तो एक है मेरे पास और पड़ा, मैं इस नए वाले को लगा रहा हूँ। अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये मीम से शक्ल सी लग रही तो, और आप सोचेंगे इसको लगाते कहाँ होंगे, वो भी दिखा दूंगा। मजदूरी देनी जरूरी थी, तो बर्गर मंगा लिए, बर्गर खिलाएंगे मजदूरी में, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, ठीक है ना मजदूर साहब, ठीक है मालिक। तो भी अभी हमें इसको अभी और करना है थोड़ा सा, तो अभी कल खा लेते भाई सामान डाले, चाय ब्रेक खोलो भाई इसको। नेक्स्ट है, जब अपनी गाड़ी के अंदर मैं डिफ्यूज़र ले आया हूँ, टी शर्ट को अंदर रखता हूँ, ये डिफ्यूज़र है जिसके अंदर लगने हैं पार्ट्स, एंड ये पार्ट जहाँ लगते हैं, ये टूटा हुआ दिख रहा है, इस जगह पर लगेगा। एंड मैंने ना ये परचेज़ किया था काफ़ी टाइम पहले, सो अब जो है मेरे काम भी आएगा, ठीक है, मिस्टर DIY से परचेज़ किया था ये, देख रहे हो, सही है मेरे ख्याल, दूसरों में कोई बुरा नहीं है, पर यह है कि मैंने यूज़ ही नहीं किया, थोड़ा जंक लगा हुआ है, अरे थोड़ा जंक लग गया इसमें यूज़ नहीं करने के कारण, बाकी ओवरऑल 200-250 रुपीज़ में कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेट्स सी, बाकी यूज़ करके देखते हैं, अगर यूज़ हो रहा होता तो शायद इतना जंक पर लगता भी नहीं, पर कोई बात नहीं, करते हैं स्टार्ट। एंड एक किट मेरे पास ये पड़ी है, पूरी एलंकी किट है, ठीक है, और एक मेरे पास मल्टी ये पड़ा है। मैं इन गाड़ियों में ना ये सब चीज़ रखता हूँ हमेशा, मतलब ये है कि काम ना काम आ जाती, कभी ना कभी अगर ये फंस गए तो ये चीज़ आपको हेल्प करती है कहीं से भी निकालने में। तो अभी ये डिफ्यूज़र जो मेरा टूट गया था पीछे के, एक इस साइड का फिन लगाना है एंड एक इस साइड का फिन लगाना है, इसके पेज उसी पे लगे हैं, इसके पेज मेरे हाथ में निकले हुए हैं, एक पेज शायद आई गेस नीचे होना चाहिए, ये पार्ट लगा हुआ है ना जो ये वाला, इसके साथ एक पार्ट लगा हुआ है नीचे, ये देखो, इसी पार्ट को उसके साथ अटैच कर देंगे, सिंपल। अब देखने में तो सिंपल है, बट लगने में कितना सिंपल है वो देखते हैं। इसके अंदर यहां से नट बोल्ट्स लगेंगे,
और इस साइड से इसको पार करना है। यहाँ पे किया ही है कि उस साइड से लगाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, देखो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है क्योंकि ये गाड़ी लोवर्ड है। एक ईट मैंने यहाँ लगा दी है, एक ईट मैंने उस साइड में लगाई है। मैं गाड़ी करूँगा बैक चढ़ाऊँगा ताकि पीछे से थोड़ी सी ऊपर उठ जाए। साइड का डिफ्यूज़र मैंने लगा दिया है पुराना वाला ही। अब इस साइड क्या है कि नेट खोलने और नेट थोड़े जाम से हैं, तो D40 हमेशा अपनी गाड़ी के अंदर रखता ही हूँ। D40 यार घर के नल वगैरह या घर की कोई बोल्ट वगैरह इसमें जंग लग रहा है ना, वो खुल नहीं रहा है, तो ये D40 आता है 110 120 रुपये का, ठीक है 110 120 का ये ले लिया करो और ये मारा करो। एक ही बाबर सारे नट जंग वगैरह सब हो जाता है। देखो यहाँ डिटेल्स भी दी हुई है, ताले भी लगाते हैं लोग, नट बोल्ट को लूज़ करने के लिए स्प्रे करके थोड़ी देर छोड़ देते हैं, उसके बाद खोलते तो ईजिली खुलता है। तो D40 हाईली रिकमेंडिंग। उस साइड का सेट हो गया, इस साइड कर रहा हूँ बाकी है। अब मैं इस साइड के डिफ्यूज़र को पूरा ही निकालूंगा जिससे कि मैं कोई ईजिली इसको फिट कर पाऊँ, क्योंकि इसके यहाँ मैंने डिफ्यूज़र हाथ में ले रखा है एंड मैंने ना इसको ये नट खोल के और ये नट खोल के बाहर ही निकाल लिया था, क्योंकि ये लगे लगे में लगाने में थोड़ा इशू भी हो रहा था एंड ये है भी छोटा सा पार्ट था उसको मैंने, इसलिए मैंने इसको लगा के लगाया, मतलब फिटेड पे लगा दिया और ये दो नट बोल्ट पर टिका हुआ था। अब ये ऐसे लग जाएगा वापस से और इसके नट बोल्ट ये रखे हुए, एक एरा एक एरा। अगर ये देखो ये टूल्स हैं, बाकी अगर आप भी चाहते हो कि आप इस तरीके से अपनी गाड़ी में ना कुछ भी काम करना चाहते हो और मेरे सामान परचेज मान लीजिए डिफ्यूज़र है गाड़ी का, ठीक है, तो अगर ऐसा डिफ्यूज़र अगर आपको खरीदना है तो आप मेरे को स्क्रीन के नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, और इसको लगाना बहुत ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ। पोलो के लिए बता रहा हूँ, बाकी और गाड़ियों की जो आप लेंगे मेरे से परचेस करोगे मैं आपको आगे बताता रहूँगा। देखो बेसिकली होता क्या है कि ना ये डिफ्यूज़र, पहले तो डिफ्यूज़र की बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है, ठीक है, ये देखो डिफ्यूज़र ये रहे, तो इनको लगाना कैसे होता है, सिंपल नट बोल्ट के साथ ही ऊपर ऊपर लगते हैं। थोड़ा क्रिटिकल पार्ट है ये वाला, अगर आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट तो आपके लिए भी ईजी है, ठीक है। एलन की वाले कुछ ले लेना आप लोग भी इस तरीके से परचेस कर लेना, सस्ता आइटम है, D40 वगैरह छोटे बड़े नट बोल्ट्स ले लेना एंड इसको लगवाने के लिए भी लोग अच्छे से पैसे ले सकते हैं आपसे। तो ये एल शेप आएगी, एक नट एक नीचे लगेगा एक ऊपर लगेगा, एक नीचे लगेगा एक ऊपर लगेगा, इस तरीके से एल शेप लगेगी और उसके बाद इस नट को एक इधर से आपको टाइट करना है, ये एलन की वाले नट है ये देख लो ध्यान से, एंड इसके बाद सिंपल है बस, अब ये अपने सिंपल नटों से ऊपर अपनी गाड़ी में कस दिया जाएगा। तो मेक श्योर जब भी आप अपनी गाड़ी के अंदर ये लगवाएं तो उसको अच्छे से लगाएं, क्योंकि कोई भी आपकी गाड़ी में जो काम कर रहा है पता नहीं वो ढंग से काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन आप जो अपनी गाड़ी के अंदर काम करोगे तो 100% पक्का काम करोगे, ठीक है। चलो उसको लगाते हैं अपनी गाड़ी के अंदर वापस, और अगर आप परचेस करने आते हो तो स्क्रीन नंबर पर मेरे को कॉल कर लेना, चाहे तो आपको टेल लैम्प परचेस करनी है, हेड लैम्प परचेस करनी है, कुछ भी परचेस करना हो उनको मैसेज कर लेना इस नंबर पर। सक्सेसफुली उसको अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर लिया, पर अभी क्या दिक्कत है कि उस पर पेंट भी करना है, तो कल आप लोगों को दिखाऊंगा पेंट भी करके, ठीक है। और आप लोगों को ना इसी चैनल पे अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको गाड़ी की लाइट की वीडियो दिखा दूंगा, पोलो की हेडलैम्प टेल लैम्प सबकी वीडियोस दिखाऊंगा, प्राइसिंग बताऊंगा और कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखा है ये, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना, रीच आउट कर लेना, मैं आपको जो है चीज़ें परचेज करके भेज भी दूंगा, ठीक है। बाकी देखते आगे आगे काम कर ही रहे हैं, और गाड़ी के अंदर किस चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट कर देना या मुझे व्हाट्सअप कर लेना। बाकी तो डिफ्यूज़र वगैरह अगर चाहिए हो तो मुझे एक बार आप वो कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो इन नंबरों पे, मैं आपको डिफ्यूज़र भेज दूंगा। चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, हर गाड़ी का अलग अलग आता है, पोलो का इस टाइप का आता है एंड अदर अलग गाड़ियों का अलग अलग डिज़ाइन के आते हैं डिफ्यूज़र्स, ठीक है। फ्रंट का वो भी आता है, अंडर रनर भी आता है, मतलब बहुत कुछ आता है हर गाड़ी का। तो अगर कोई सी भी गाड़ी है, ज़रूरी नहीं है कि पोलो ही, आप कोई सी भी गाड़ी है कोई सा भी सामान ले सकते हो, टेल लैम्प हेडलैम्प वगैरह जो भी चाहिए सब देगा तुम्हारा भाई। स्क्रीन के नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो, वैसे व्हाट्सएप करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मैं थोड़ा शाय पर्सन हूँ इसलिए। चलो भाई।